बैठे बैठे घर पर आराम करो, थोड़ा सा घर का भी काम कर दिया करो यार। थोड़े पे मतलब रैकेट बैग एक टांग के हो जाए, तिगड़े 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 करते हुए इसलिए तो मैं ऊपर नीचे सासे हो रही थी। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाश्ता देखिए रेडी हो गया है। आज बनाया है चीजी एग रोल, और ये देखिए एग भी है चीज भी है। मेरे पास ना रात की दो तीन रोटियां बची थी, मैंने सबको यही बना के दिया है। अभी एक मैं बना के लाई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं पूरा खाऊंगी। देखिए अंदर कितनी सारी चीज है, चीज चीज चीज, ये देखिए से चीज। और ये है हमारी ठंडी ठंडी ड्रिंक, क्योंकि गर्मियाँ है ना तो चाय पीने का दिल नहीं करता, तो मैंने कहा चलिए आज ये पीते हैं। तो चलिए फिलहाल हम कर लेते हैं नाश्ता, और आप लोग को भी एक आइडिया दे दिया है मैंने, बासी रोटी अगर आपके पास बचती है तो आप इस तरह से रोल बनाएं चीजी चीजी सा, और बच्चों को बड़ों को सभी को दें। हमारे घर में तो सभी ने मज़े से खाया है, तो चीज़ खींच के बाहर आ गई है। रैयान क्या कर रहे हो? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी आप सभी का ब्लॉग्स में। सब कैसे हैं आप सभी? अभी भी हम लोग सभी जा रहे हैं कुर्बानी के लिए, जानवर देखने के लिए। तो अभी देखते, डिसाइड नहीं किया है कि हमने क्या लेंगे ये पीछे से ना एक्टिंग करते रहते हैं और बस इशारे करते रहते, जिस वजह से मैं भूल जाती हूँ। हाँ बोलो, तुम ही बोल दो इशारे क्या लेंगे। नहीं अभी आप इशारे कर रहे थे ना, करो बोलो तो क्या लेंगे। मतलब डिसाइड नहीं किया ना कि हम जानवर कौन सा लेने वाले, बकरा लेने वाले हैं या फिर मतलब किसी बड़े जानवर लेंगे। हाँ तो अभी ये चीज डिसाइड नहीं है। ऊंट लेने वाले तो तुम बड़े, ऊंट ऊंट लेने वाले हाँ यही लाएंगे। ऊंट एक ऊंट की सवारी तो आज तक कराई नहीं है। गाइस ईद पे हमारे यहाँ पर ऊँट आते हैं, इतनी सारी ऊँट की सवारी, लेकिन सच बताऊँ तो मेरा खुद का भी दिल नहीं करता, इतनी स्मेल आती है ना बहुत ज़्यादा। वो उसको सजा तो देते हैं लेकिन साफ नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो ऊँट पर तो खैर नहीं बैठे, लेकिन हाँ ऐसी जगह चलो ना जैसे कि हाथी वगैरह की सवारी करें। ऊँट की छोड़ो, हाथी की सवारी करते दो, बाइक पे जाती हूँ, हाथी पे नहीं। वो हाथी है, वो हाथी है, हाथी है वो, बाइक को हाथी कब से, वो हाथी है, वो हाथी है। तो ऐसे नहीं है, दो तीन बच्चे चलो कहीं घूम के चलते हैं। तीन बच्चों का, तुम बच्चे कब हो? दो तीन। गाइस मेरे घर में अभी चल रहा है, देखो क्या क्या ताले लगे हैं। नहीं बेटी ये देखो सब लगे पड़े, मैं कह रही चलो जल्दी से फिर। आज इन लोगों ने पता नहीं क्या सोच के रखा है यार। हाँ छोड़ दो, सारे काम से फ्री कराना है ना इसलिए। तो ये किसने कहा, तो मेरा पूरा बर्बाद कर रहे हो भाई। छुट्टियां क्या पड़ गई ना इनको, ये लग रहा है कि इनको जो चाहे करने दो। छुट्टियां पड़ी है तो ये देंगे, बैठे बैठे घर पर आराम करो, थोड़ा सा घर का भी काम कर दिया करो यार। अच्छा तो इसमें आपने पूरा साबुन मेरा बर्बाद कर दिया। और गाइस आज रैयान ने और हमजा ने दोनों भाइयों ने मिलके ना झाड़ू पोछा किया है। मुझसे कह रहा है मम्मा मैं करता हूँ, ट्यूशन से आए तो उसका थोड़ी देर रेस्ट करके हमजा ने झाड़ू लगाई, रैयान पोछा लेके शुरू हो गए। तो दोनों भाइयों ने मिलके किया है ना। रैयान क्या कहना चाहोगे? मम्मी की हेल्प कर दिया करो, मम्मी घर में क्या करती हूं ये भी बता दिया करो व्लॉग में। मतलब आज ये सुपर एक्साइटेड है, पता नहीं आज इसको क्या ट्यूशन था। दोनों भाई का अपना एक अलग ही हो रखा था कि नहीं मैं ये काम करूंगा, आके मेरे पूछा भी नहीं मुझसे, और जबरदस्ती का दोबारा झाड़ू पोछा सब कर दिया दोनों भाइयों ने। लेकिन जब बंदा होता तब किया करो, नहीं दोबारा कर दिया कोई बात नहीं। आज दिल है, मैंने भी सोचा मैं घर में इन्वॉल्व हो रहे तो होने देती हूँ, तो चलो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है क्या। फ्रेंड्स देखिए हम अब गेम में, गाइस मॉन्स्टर्स के पास चलते हैं। गाइस देखिए मॉन्स्टर, गाइस देखिए, गाइस देखिए दो दो मॉन्स्टर यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं। मैंने पहले लिया है बुरखा और अब चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, बकरे जानवर जो कुछ भी आए होंगे वो सब आपको दिखाते हैं, और हम भी देख कर आते हैं, फिर आप लोग बताइएगा कि हम क्या ले सर्विस करेंगे। वैसे अभी देख भी आ रहे हैं, देखते हैं इंशाल्लाह क्या ठीक होता है क्या नहीं। तो लेट्स गो। गाइस भैंसे अभी लगी हुई हैं, बकरे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, बकरों के लिए आगे जाना होगा। हमजा रैयान क्या देख रहे हो? अभी बकरे तो आए नहीं, भैंस है, आराम से मिट्टी उड़ रही देखो। बकरे
रैयान को इसको टच करना है, लेकिन इतना ज़्यादा डर रहा है ना कि पीछे पीछे भाग रहा है और ये ज़बरदस्ती लेके जा रहा है, पापा चलो चलो आगे चल के इसको हाथ लगाते हैं और खुद देखो कितनी दूर खड़ा हुआ है। तो गाइस अभी तो यहाँ पर हम लोग को कुछ समझ नहीं आया। गाइस यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही है, बहुत लू है ना रैयान। रैयान तो अपना पानी पी रहे हैं और यहाँ पर अभी बकरे आए नहीं हैं गर्मी की वजह से शायद, तो अभी तो आए नहीं है, देखते हैं दो चार दिन में कब आएंगे। तो पर देख लो गाइस दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अभी जानवर आए नहीं है, मतलब बकरे अभी बिल्कुल भी नहीं आए हैं, एक भी जगह नहीं मिली थी कहीं पर भी, तो अभी तो सिर्फ बड़े जानवर ही दिख रहे हैं, देखते हैं एक दो दिन में और आते हैं कैसा है क्या है। अभी हम लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि बकरा ले क्या हुआ, एक घोड़ा ले लो जिससे गिरती जाओ घोड़े से, गिरती जाओ वापस आओ घोड़े से। देखो इनके देखो घूमेंगे घोड़े पर, ऐसे घोड़े पर ऐसे घोड़े को बांधेंगे ना, बांधेंगे सड़क पर, सड़क पे कौन कौन देखेगा सड़क पे, मैं बैठूंगा उसके ऊपर। अच्छा रात को घोड़े के साथ सोओगे सड़क पे? नहीं घोड़े को तो मैं रात को ही गांठ खोल कर ऊपर ले आऊंगा। किधर किधर बांधूंगा तो पूछो कहां बांधूंगा। तो वो घर के अंदर कैसे रहेगा? छत पर बांध दो। अरे वाह तुमने क्या सोचा है कि पापा ड्यूटी जाएंगे घोड़े पे, मतलब रैकेट बैग एक टांग के हो जाएंगे तिगड़े 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 करते हुए ऐसे जाते हुए अच्छे लगेंगे बच्चे जो भी पापा के जो भी स्टूडेंट हैं, वही तो कह रही हूँ पापा के जो भी स्टूडेंट हैं वो देखेंगे कहीं अरे आज हमारे कोच सर जो है वो घोड़े पे आ रहे हैं, तो वो कहीं सर हमें टेनिस मत सिखाओ हमें घोड़े की राइड करा दो। फिर क्या चाहते हो? पापा कहेंगे अच्छा बेटा, पापा कहेंगे जो अच्छा खेलेगा उसको राइड करूंगा मैं, मतलब पापा के पास एक नया ऑप्शन एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी बच्चों को और अच्छा इम्प्रूव कराने का, और बच्चे लालच में आके करेंगे है ना ये चीज, अच्छा अच्छा खेलेंगे ताकि हमें इसकी राइड करने को मिल जाए ना। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद मंगाई है जलेबी और मैं खाने वाली हूँ जलेबी के साथ, तुम्हें ये लो, तो मैं जलेबी के साथ खाऊंगी दही, ये देखिए मैंने ये दही भी लिया है जलेबी के साथ, और ये लोग खा रहे हैं समोसे, ये देखो रैयान और समोसा पता कैसे खा रहे, देखो हमजा रैयान इस तरह से खाते हैं, आलू ये रखे हुए हैं और खाली ये सिर्फ इसके ऊपर ऊपर खा रहे हैं, बस 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 ज़्यादा नहीं निकालो। एनिवर्सरी को कितने साल हो गए पूछ रहे हैं, पूछो शादी को कितने साल हो गए? हाँ भाई 12 साल हो जाएंगे सितंबर में। आप लोग की शादी को 40 ईयर्स सितंबर में, कौन सी साल एनिवर्सरी? 2012 में सितंबर 2024 को 12 साल हो जाएंगे, वाह क्या बात है। कितने साल है? तुम क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? हैरान हो रहा भाई, हमारी शादी की डेट सुन के तुम्हें क्यों इतनी हैरानी हो रही, इतना बेताब हो रहे हो क्यों? इतनी जल्दी मैं 11 साल का होने वाला हूँ इसलिए तुम्हें ऊपर नीचे सासे हो रही थी। गाइस मौसम दिखाती हूँ आपको, अरे वाह बारिश होके सूख भी गया, ये तो बरस के सूख गया देखो थोड़ा थोड़ा सा बचा है, बारिश बंद हो गई है और बहुत अच्छी हवा चली एकदम से जबरदस्त वाली। खाना बनाते बनाते गाइस देखो मुझे लगी जोरदार गर्मी, तो मैंने बना लिया यहाँ पर आम पन्ना, मेरे पास प्रीमिक्स था तो मैंने उसे आम पन्ना रेडी कर लिया, और इधर दाल चावल बन रहे हैं, यहाँ पर तड़के का मैंने सारा सामान रेडी कर दिया है, और अब चलते हैं थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ और ठंडे ठंडे में ये आम पन्ना पीती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ ही गर्मी लग रही, तो देखो कितना ठंडा पानी मैंने इसमें डाला है, बर्फ़ नहीं डालूँगी, बर्फ़ डालूँगी ना तो मेरा गला जल्दी ख़राब हो जाता है। फाइनली गाइस देखिए हमारी दाल बन गई है, इसमें चावल बन गए हैं और थोड़ी सी भिंडी रखी, तो मैंने भिंडी भी बना दी है और ये रायता भी रेडी है, तो अब लंच हमारा रेडी हो गया। हाँ रैयान लेकर आए थे बूंदी, और हमजा देखो कहाँ बैठा है, ये लड़का मानता नहीं है। ये हो गई है मेरी और हस्बैंड जी की प्लेट, ये रही भिंडी मसालेदार मज़ेदार। कैसी है भिंडी? कैसा बना? मज़े का ना, आंखें ही नहीं खुल रही हैं हमजा के स्टाइल में हमजा कैसे देख रहा पापा करके रहे, तुम ऐसे ही करते हो पापा तुम्हारा स्टाइल कर रहे हैं। चलिए गाइस अभी मैं खाना खाती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि भिंडी एंड राइस रायता सब है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हम लोग का खाना हो गया है और अभी हमारे बच्चे जो हैं वो सो भी गए हैं, तो मैं भी करती हुई वीडियो को यहीं पर एंड,
उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लीज़ फैमिली फ्रेंड को सभी को शेयर करिएगा। और 8:30 पे ब्लॉग आता है एक दिन के बाद। वैसे मैंने सोचा मैं वीक में 3 ब्लॉग डाला करूँगी, मंडे को, वेडनेसडे को एंड सैटरडे को। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और 8:30 पर आएगा मॉर्निंग में, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर वॉच करिएगा। तो मिलेंगे आपसे एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।